समाज के इस बदलते हुए परिवेश में देखा जा रहा है कि बच्चों को एक बल्ली लगाई जा रही है। जो कार्य बच्चों को अपने से संबंधित स्वयं करना चाहिए वह नहीं कर रहे हैं। माता पिता भी नहीं चाहते कि हमारे बच्चे पढ़ाई के अलावा कोई और कार्य करें, जबकि होना ये चाहिए कि लड़के अपने पिता के कार्य में हाथ बटाएं, लड़कियां अपनी माँ के कार्य में हाथ बटाएं। ये जरूरी नहीं कि पूरी समय अपने स्कूल के पढ़ाई से अलावा आधा घंटा कार्य करना चाहिए, जबकि ये देखा जा रहा है कि अब बच्चे अपने माता पिता के कार्यों में हाथ नहीं बटाते, इससे उनके अंदर एक कमजोरी पैदा हो रही है। थोड़ा सा पैदल चलने पर भी गार्जियन शिकायत करते हैं कि हमारे बच्चे को 100 कदम चलना पड़ता है। एक छोटा सा प्रसंग आपको सुनाता हूँ। एक बाइक के मालिक बाहर से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पेड़ों के बारे में जानकारी लेकर, वहाँ से ट्रेनिंग लेकर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि बाग में जो छोटे छोटे वृक्ष हैं उनको किसी सहारे से बांधा नहीं गया है, कोई उनके लिए स्टेक होल्डर नहीं है। उन्होंने माली को बुलवाया और माली से कहा इनको कोई स्टेक होल्डर लगाइए, कोई लकड़ी लगाकर इनको बांधिए, नहीं तो ये आंधी तूफान में गिर जाएंगे। माली ने ऐसा कार्य 2-3 दिन नहीं किया तो मालिक को गुस्सा आया। उसने फिर मालिक को बुलवाया कि हमने आपसे कहा था कि बराबर में कोई साइड में लकड़ी लगाकर इन छोटे छोटे पेड़ों को बांध दीजिए ताकि ये आंधी तूफान में ना गिरे। तो उस माली का कितना सुंदर जवाब था। माली ने अपने मालिक को कहा कि मालिक आप जो कहेंगे मैं वही करूँगा, लेकिन यदि हम ऐसा नहीं करते तो ये हो सकता है आंधी तूफान में 1-2 पेड़ गिर जाए, लेकिन बाकी पेड़ों को खुद खड़ा होने का एक अवसर मिलेगा और जो अपने आप से खड़े होंगे वही आगे वृक्ष बन पाएंगे। प्यारे बच्चों, हमें अपने आप से खड़ा होने का अभ्यास डालना है। यही वह समय है जब आगे चलकर जीवन के संघर्षों को हम स्वयं झेल सकें, हमें किसी के सहारे की जरूरत ना पड़े, ऐसी आदत बनाई जाए तो अच्छा होगा, जीवन सुखमय होगा। थैंक यू सो मच।